तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या फिर पूना पैक्ट क्या है इसके बारे में विशेषता बताना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, या फिर पूना पैक्ट के बारे में वर्णन आपको लिख देना है। तो मैं दिन में बिजी रहने की वजह से मेरे स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन लिख कर दे देते हैं, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ कि यहाँ से लिखना है, सटीक ढंग से बता देते हैं ताकि आगे भविष्य में गलतियाँ ना हो, ठीक है। जब गांधी जी ने, बेहतर तरीका से बताया गया है, ठीक है, जब गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना की जरवधा जेल में ही डेथ स्ट्राइक, जिसे अमरन अनशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रारंभ हुआ था यानी शुरू हुआ था, तब महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं, महात्मा गांधी था और उसके साथ बहुत आने आलोचना करने लग गया था। दूसरी बात, अंत में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकृति से एक समझौता हुआ। अंत में क्या हुआ था, गांधी जी था और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की स्वीकृति से एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाने लगा। एक समझौता हुआ उस समय, तो पूना समझौता के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने भी पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया। इस समझौते के बाद गांधी जी ने 26 सितंबर 1932 को अनशन तोड़ दिया। चौथा नंबर है, इस समझौते ने हरिजनों के प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर और एमसी राजा थे, पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार अछूतों यानी दलित वर्गों के लिए निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। अछूतों के लिए स्थान तो सुरक्षित किए गए, ध्यान दीजिएगा, यानी अछूतों के लिए स्थान तो सुरक्षित किए गए, ठीक है, परंतु उनका निर्वाचन संयुक्त प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। हरिजन की शिक्षा के लिए, ध्यान दीजिएगा, हरिजन के शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, यानी कि जो उसकी आर्थिक सहायता है, ठीक है, देने के लिए भी पूना पैक्ट में शर्त रखी गई थी। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में उनके लिए 18% स्थान सुरक्षित कर दिया गया। पूना पैक्ट के शर्तों के अनुसार स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा आपको और भी कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन हाँ, तो मैं ना किसी भी तरह की क्वेश्चन नहीं होगी, वनली क्लास 9th, 10th और 12th का मैथ ही बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करानी है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई भी विषय में किसी भी क्लास का आपको सख्त ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल फर्स्ट एग्जाम जो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा अभी सब्जेक्टिव नहीं अपलोड किया जाएगा ताकि परेशानी हो जाती है। तो वीडियो पसंद हुई तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा है तो, नहीं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं।